इस वीडियो में हम बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जेई पोस्ट के लिए एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसे पहले BSEB कहा जाता था, तो इसका नाम चेंज करके 2012 में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी कर दिया गया। और इस कंपनी के अंतर्गत 4 कंपनी हैं: नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ये 4 कंपनी आपके बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका लास्ट वैकेंसी जो आई थी 2018 में, उसी का एडवर्टाइजमेंट है। उसी के आधार पर हम उसी का पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। तो जो 2018 की वैकेंसी थी, उसमें 400 टोटल पोस्ट थे जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई थी इलेक्ट्रिकल के लिए। और इसमें जो कैटेगरी वाइज पोस्ट था वो यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए जो आपका जेई पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि किसी भी कॉलेज के द्वारा जो कि AICTE अप्रूव्ड हो, तो उसके द्वारा होना चाहिए। अपेयरिंग स्टूडेंट जो हैं, जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं थे। इसमें जब सिलेक्शन होता है आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में, तो पहले आपको 3 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड कहने का मतलब है कि आपको इसमें आपकी कार्य कुशलता को देखा जाता है। अगर आप सेटिस्फैक्ट्री रूप से काम कर रहे हैं तो आपको परमानेंट कर दिया जाता है, अदरवाइज आपका प्रोबेशन पीरियड और एक्सटेंड किया जाता है। आपको सैलरी कितनी मिलती है? 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है, तो उस प्रोबेशन पीरियड के फर्स्ट ईयर में, यानी कि प्रथम साल में, आपको फिक्स सैलरी मिलती है, 25,900 रुपये दी जाती है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर में है, ज्वाइनिंग के बाद जो 1 साल होगा उसमें आपको ये फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। उसके बाद अगले साल से, यानी कि दूसरे साल से, आपको रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा, जो कि लेवल 7 के अंतर्गत आता है। और आपको बेसिक सैलरी मिलेगी 47,600, और प्लस आपको इसमें जो कंपनी के जो अलाउंस हैं वो आपको मिलेंगे। अलाउंस कहने का मतलब है कि आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता, जो कि अभी प्रेजेंट में बेसिक सैलरी का 31% है, यानी कि जो बेसिक सैलरी है उसका 31% आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा आपको HRA मिलेगा। HRA कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि आपका किस शहर में पोस्टिंग है। तो अगर पटना में पोस्टिंग है तो बेसिक का 16% आपको HRA मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। इसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलता है और अदर अलाउंस भी जो कंपनी देती है, वो आपको सब जोड़ के टोटल सैलरी आपको मिलेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो मिनिमम एज है, वो आपको मिनिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष, और जो मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी के लिए वो है 37 ईयर्स। और अदर कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन है, जो कि आपका बिहार गवर्नमेंट के नियमानुसार होता है, तो वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, जो बिहार गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसके अनुसार आपको अप्लाई होता है। यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी 2018 में, एप्लीकेशन फी आपका जनरल कैटेगरी के लिए, EBC कैटेगरी के लिए, BC कैटेगरी के लिए और अदर स्टेट के SC ST के लिए आपका 1500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी था, और बिहार स्टेट के SC ST स्टूडेंट के लिए 375 रुपया। साथ ही साथ आपको दिव्यांग एप्लीकेंट्स के लिए भी 375 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया था। सिलेक्शन किस प्रकार से होता है? इसके लिए जो पिछला पैटर्न था उसमें आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था, जिसको कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाता है, जो मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाता है। अगर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो अगर सिंगल बैच में होता है, यानी कि एक ही शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हो जाता है, तो उस केस में
जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अटेंड करना ज़रूरी है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, यानी कि जो 100 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम है तो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है, और बीसी कैटेगरी के लिए 36.5, ईबीसी कैटेगरी के लिए 34%, और एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 32% मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। ये क्राइटेरिया तब है जब आपका एग्ज़ाम अगर सिंगल शिफ्ट में होता है, यानी एक ही शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होता है तो, अगर एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है यानी एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो फिर ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है ये ज़रूरी नहीं है। तो जो पिछला एग्ज़ाम जो हुआ था 2019 में हुआ था, जनवरी 2019 में, उसमें 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो इसलिए क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें अटेंड करना ज़रूरी नहीं था। साथ ही साथ अगर एक से अधिक शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो, चूँकि अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन लेवल का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है और उसके आधार पे फिर आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, और जितने पोस्ट हैं वैकेंट उसके आधार से टॉप से उतने स्टूडेंट को ज्वाइन कराया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद। ये सब प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से अप्लाई करना था पिछली बार। इसके अलावा अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जेई पोस्ट के लिए, इलेक्टोरल ब्रांच के लिए सिलेबस क्या है इसमें, यानी कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस किस एरिया से पूछा जाता है। तो ये सिलेबस जो है ये आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा ही दिया गया है, और इसी के अनुसार क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट टाइम। तो जो सिलेबस है उसमें आपका जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपका करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यानी कि जनरल नॉलेज आपको पूछा जाएगा। तो ये आपका जो है इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस थे पिछली बार जनरल नॉलेज से। इसके बाद आपका रीजनिंग पूछा जाता है, तो रीजनिंग भी जो है ये भी आपका इसमें भी 10 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपका जनरल इंग्लिश भी पूछा जाता है, तो जनरल इंग्लिश में आपको सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इधर डिटेक्शन, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जनरल इंग्लिश से आपका 5 क्वेश्चंस रहेंगे। उसी प्रकार से आपका जनरल हिंदी भी पूछा जाएगा, तो जनरल हिंदी से भी आपका ये सब टॉपिक्स से जो दिया गया है इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर के लिए जो आपका ये सब टॉपिक्स इसमें लिखा गया है तो इन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर से जो है पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यानी कि आपका हो गया टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन हो गया, इधर 30% और इधर 20 क्वेश्चंस, तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन से पूछा जाएगा, और रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस जो है वो आपका ब्रांच पेपर से पूछा जाएगा। तो ब्रांच पेपर में जो आपका सिलेबस में पढ़ना है लगभग वही चीज़ें होती है, तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट का नाम दिया गया है जो कि आपका इलेक्ट्रो ब्रांच का सब्जेक्ट सब है, तो आपका ब्रांच पेपर से 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, तो कुल मिला के आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, और 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस हमने डिस्कस किया बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो पूछा जाता है। थैंक यू।